अब सबको ये पता है कि ये मेरा पहला व्लॉग नहीं है, बट मैंने ये टाइटल डाला क्यों, उसके पीछे की वजह होगी। तो चलिए आगे बढ़िए वीडियो में और शुरू करते हैं इस नया वीडियो को। तो ख्वातीन हजरात, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा पहला व्लॉग नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेरे चैनल पे 6-7 वीडियोस आ चुकी हैं, शायद उससे ज़्यादा वीडियोस आ चुकी है, जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग कंटेंट के नीशेज में आते हैं। जैसे कि हमने प्रैंक्स बनाए, जैसे कि हमने ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं, जैसे कि हमने अपने बारे में बात की है, या हमने म्यूजिक और पोइट्री को मिक्स करके एक फ्यूजन का वीडियो मेरे परफॉर्मेंस का डाला हुआ है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब है। नॉट श्योर आपको कितनी वो अच्छी लगी होगी, बट लोगों का जो रिस्पॉन्स था उस पर, जो आपकी सजेशंस थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसमें मैंने एक बात बोली थी, वीडियो का टाइटल था कि हाँ मैंने कहा मुझे एंजाइटी है। तो उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊंगा, बट तभी बनाऊंगा जब मेरा दिल करेगा, जब मेरा मन करेगा। और एक और बात कही थी कि जब मैं बनाना वापस स्टार्ट करूंगा तो बेहतर बन के आऊंगा, आप सबके लिए बेहतर कंटेंट और बेहतर वीडियोस बना के आऊंगा। शायद वो टाइम आज आ गया। अगर आप मुझे जानते हो, इससे पहले आप मेरे सब्सक्राइबर रह चुके हो, तो आपको सारी स्टोरी पता है। अगर आप नए हो इस चैनल पे और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आगे आगे चलिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। वेल, YouTube चैनल को स्टार्ट करे हुए बहुत टाइम हो गया, रोलर कोस्टर से कम नहीं थी ये राइड मेरी, ये मेरी लाइफ, ये मेरी जर्नी। बट अब डेफिनेटली अप्स बहुत देख लिए, डाउन्स बहुत देख लिए, अब थोड़ा बैलेंस हो गया, कुछ अच्छा देखने का मन कर। हाँ, तो ये कुछ ऐसा मैंने आउटफिट पहना हुआ है आज, और निकलते हैं। हाँ, और गाइस, आईफोन की बात करेंगे बाद में, बताऊंगा क्या सीन है उसका। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि वो मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब रह चुका है, बट उस फोन के साथ एक लोचा हो गया, बताता हूँ मैं, अभी चलते हैं। गाइज सीन्स देखो, गाइज क्रेजी सीन्स है, और क्रेजी सीन्स है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी सीन चेक करो, यहाँ से भी सीन्स क्रेजी होते जा रहे हैं। बट हाँ, द थिंग इज फॉर रियल गाइज, आई कांट फिल्म इट नाउ। तो सॉरी, ये देख लो असल में क्यों मैंने वीडियो का शूट रोका था, वही है, क्रेजी सीन्स होते जा रहे हैं। और ये जो चाचा मेरे सामने ड्राइव कर रहे हैं, बहुत मस्त, देखो पूरा रास्ता खुला है, लेकिन जिस तरीके से ये ड्राइव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आई कांट से एनीथिंग। ओके चलो, मुझे थोड़ा सा जो काम है पहले, मैं वो फिनिश कर देता हूँ, फिनिश करने की कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी सारा काम हो पाए, और फिर आप सबसे बातचीत होगी। जाना हमें उधर है आई स्टोर के पास, मोमिन के पास जाना है, और हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है मोमिन से। ये मोमिन शायद अंदर ही बैठा हुआ है, अभी मुझसे वो लेने वाला है। और हाँ, हो रही दन्नो हमारी इधर है, इधर है, इधर है। तो ये देखो, इसका उधार है, तो ये अब पैसे मांगेगा, देखो कैसे बेइज्जती करेगा मेरी। अभी बोल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारी गालियाँ देता है फिर कॉल पे। रुको रुको, मैं दिखाता हूँ क्या दिखा रहा है। हाँ क्या मतलब? तो गाइज, इस चीज़ के बारे में बात करनी है, मोमेंट के आई स्टोर के बारे में, वुड यू गेट एन ऑल, सो विल गेट टू नो, सी यू सुपर सून। वेरी रिच गाय मोमिन, कौन कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो अभी? S20 अल्ट्रा एंड आईफोन 11 प्रो। गाइज ही इज़ वेरी रिच गाय गाइज, सेंट रिश्तास गाइज, सेंट रिश्तास। तो गाइज एक्चुअली जिस काम के लिए मैं आया था, वो
इधर होने वाला है और सम स्टफ टू टेक यहाँ से, और ये है जहांगीर भाई जिनके साथ में आया था। मैं इतना अब आलसी हो गया हूँ अब ऑनेस्टली, मतलब मैं कैमरा के बगैर अब ड्राइव नहीं कर पाता। मतलब मैं जो मिरर्स होते हैं मैं उनको अब बहुत ही कम देखता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो हो चुका है वो हिसाब किताब। लेट मी पार्क, तो फिर मिलते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे वो जो वीडियो में व्लॉग में हमने वो टिन्स रखे थे वो गाड़ी में क्यों थे, बिकॉज हम ये पैक कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब देखते क्या होता है आगे के सीन्स। सो आई एम वेरी टायर्ड और स्किन केयर सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि धूप में बहुत घूमा और बहुत काम करना पड़ा। सो गाइस, अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को यही पैंट कर रहा हूँ, किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। सो बाय।